हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को अब रद्द कर दिया है। मैं सबसे पहला सवाल ही आपसे पूछूंगा कि हाउ डू यू वेलकम दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कि उन्होंने सेक्शन 497 को अब रद्द कर दिया है। सी आई एम लाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट आई थिंक मेकिंग 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल इट सरप्राइजेस मी अ लॉट लाइक वी आर नाउ trying to allow people to cheat with each other, especially the married couples. See, what happens is, I feel personally that our judges basically look to the West for guidance. Mm. And we are actually, you know, ignoring the realistic society that exists in India. So keeping that point in mind, I think marriage is considered to be a sacred covenant. And there should be sexual fidelity amongst the partners. So I feel that this judgment is totally unwelcomed and not good for the society that we live in. I would actually like to congratulate the country for this democratic decision. It is a very welcome judgment in the wake of equality on the basis of gender as well. And secondly, it has come when gender equality is seeing new heights. Now, adultery was very biased, as in it was criminalized because a married woman could not get into a sexual relationship with another man without the consent of the husband. So the judgment says that earlier it was held that the man who went into such a relationship was क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड, उनके पास में जेल होती थी उनको 5 साल की, कुछ फाइन भी शायद, फाइन और बोथ ऐसा है प्रोविजन उसमें, लेकिन अगर हस्बैंड की सहमति होती थी तो इसको क्रिमिनल नहीं माना जाता था। नाउ दिस इज 158 ईयर्स बैक व्हेन वुमेन डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ लिबर्टी एंड दे वर नॉट स्ट्रांग इनफ एंड टुडे द जजमेंट हैज कम एंड आवर CGI जो है दीपक मिश्रा सर, he was there and one of our very reformist jo judge hain DY Chandrachud sir, he was also there and surprisingly pehle wala judgment unke father ka diya hua tha and this judgment has been delivered by him. He has also observed that a woman is not the chattel of her husband. That means that he will not decide whom she should be all right with. He can't be that bossy type of. Yes, and secondly, the basic thing is that इसका judgment का interpretation ऐसा है कि adultery को उन्होंने promote नहीं किया है, it still remains to be the ground for divorce, but yes, it has been decriminalized. You cannot be punished criminally for that. देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश में शादी को संवैधानिक अधिकार के अलावा भी एक धार्मिक वे में भी देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो चाहे किसी भी धर्म में हो, खुदा को या भगवान को या जीसस को, शादी जैसे पवित्र बंधन में अगर कोई व्यक्ति किसी और स्त्री के साथ या पुरुष के साथ में व्यभिचार करे तो वो जो व्यभिचार है वो एक अपराधी माना जाएगा, उसको खुलेआम करने की कोई व्यवस्था हमारे देश में पारंपरिक तौर पर कभी नहीं रही है। तो ये एक जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अमेंड किया है या जिसमें डाइल्यूट किया है, जिसको बोल सकते हैं सेक्शन 497 को, मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा पेचीदा कर दिया है। अब उसकी परिभाषाओं को मतलब मैंने एलाबरेट करके ये ऑफेंस को मेड आउट करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा। तो क्या ये सही किया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना व्यक्तिगत तौर पर बोल सकता हूँ कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा पेचीदा कर दिया है। मेरे हिसाब से ये निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही सही निर्णय दिया है जी। क्योंकि सेक्शन 497 की अगर आप परिभाषा देखेंगे तो उसमें लेडी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, सिर्फ हस्बैंड को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और अगर कोई लेडी के किसी बाहर मर्द के साथ अनैतिक संबंध है और वो उसके हस्बैंड लेडी के हस्बैंड के कंसेंट के साथ हो रहे हैं तो 497 का ऑफेंस ही बनता नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ऐसा कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को कंसिडर करते इसमें बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है, क्योंकि यहाँ आर्टिकल 14 का वायलेशन ऐसा हो रहा है कि जहाँ हस्बैंड इज़ लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है उसी एक्ट के लिए जिसमें लेडी भी
उसी हद तक इन्वॉल्व है, उसके लिए उसका प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा, तो ये आर्टिकल 14 यानी जेंडर इक्वालिटी का ये वायलेशन है। तो अगर प्रोसिक्यूट करना है तो दोनों को करो, और नहीं करना है तो फिर दोनों को न करो। मेरा ऐसा कहना है कि नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी पार्लियामेंट के तरफ। अभी इस पर लॉ बनाना, दोनों को प्रोसिक्यूट करने के लिए वो पार्लियामेंट को सोचना है कि अभी 497 जहाँ तक आर्टिकल 14 का वायलेशन था इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उसको हटा दिया, लेकिन पार्लियामेंट जो है अभी भी इसके ऊपर एक नया लॉ ला सकता है जिस पे हस्बैंड और लेडी जो दो भी बाहरी जिनके रिश्ते हैं मैरिज के बाहर जो रिश्ते बना रहे जिसे हम एडल्ट्री अब तक कहते थे, अगर वो कर रहे हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट दोनों को प्रोसिक्यूट करती है, उस सिचुएशन में वो वैलिड रहेगा और आर्टिकल 14 का वायलेशन ना रहते हुए अगर वो चैलेंज भी होता है तो वो कोर्ट में टिकेगा। भाई मुझे लगता है जेंडर इनइक्वालिटी थी एज रिगार्ड्स टू सेक्शन 497। आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये क्लियर हुआ है कि भाई जेंडर न्यूट्रैलिटी हुई है, हस्बैंड्स या मैन को कभी भी आप 497 के दायरे में ला सकते थे, आज उस चीज़ को हटा दिया गया है, इट्स नॉट अ क्राइम। अब जेंडर इक्वालिटी का मैं कहूँगा कि भाई हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। मैं ये नहीं कहता कि भाई अडल्ट्री होनी चाहिए, नहीं, जो सैंटिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए, पर ओनली मेन शुड सफ़र, दैट्स जेंडर इनइक्वालिटी। आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ वेरी गुड जजमेंट। दैट्स थैंक यू सो मच सर।